भारतीय पहाड़ी हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोग शिमला जिले के रामपुर बुशहर में स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। यहां पर बुशहर बुनकर सोसाइटी व दिव्यांग स्वयं सहायता समूह ग्रामीण साधनहीन व बेरोजगारों को घर द्वार पर रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। इन संस्थाओं को सरकार की हथकरघा से जुड़ी संस्थाएं देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनियां लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ मदद भी कर रही हैं। वर्तमान में यहां दो संस्थाएं दर्जनों विकलांगों को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देने के साथ उनके द्वारा तैयार वस्त्रों और अन्य पोशाकों की मार्केटिंग कर उन्हें रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। दिव्यांग स्वयं सहायता समूह दिव्यांगों को घर द्वार पर कच्चा माल उपलब्ध करवाकर उनसे विभिन्न डिजाइनों के पोशाक और अन्य वस्त्र बनवाती हैं। इसी तरह बुशहर बुनकर सोसाइटी भी बेरोजगारों को सरकार के सहयोग से पहले प्रशिक्षित करती है, उसके बाद उन्हें सिलाई बुनाई का काम मुहैया करवा रही है। इन संस्थाओं के सहयोग से कई बेरोजगार अब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इन संस्थाओं द्वारा उन ग्रामीण बुनकरों व सिलाई का कार्य करने वालों से पारंपरिक परिधानों व वर्तमान फैशन से जुड़े परिधान तैयार कर उन्हें देश की विभिन्न शहरों में प्रदर्शनी के माध्यम से बिक्री करती हैं। बुनकर खासकर ऊन और पशम को काट कर पट्टी पट्टू शॉल मफलर तैयार करते हैं। पट्टी से कोट बास्केट टोपी व अन्य परिधान तैयार होते हैं। इन संस्थाओं का प्रयास है कि विभिन्न पारंपरिक पहनावा यहां की पुरानी परंपरा के अनुसार भी तैयार करें ताकि संस्कृति संरक्षित हो। इसके अलावा युवाओं की मांग को ध्यान में रखकर आधुनिक फैशन युक्त वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी मांग स्थानीय बाजार के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर लगने वाली प्रदर्शनियों में अधिक है। इसके अलावा रामपुर बाजार में भी बिक्री केंद्र खोलकर उनके द्वारा तैयार सामान बेचा जाता है। दिव्यांग स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रभात नेगी ने बताया कि वे आधुनिक एवं पुरानी परंपरा से जुड़े वस्त्र तैयार करते हैं और वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रोजगार का अच्छा कमाई का साधन बना है। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 25 वर्कर भी है। हम अपने पुराने से जमाने के कपड़े को भी तैयार करते हैं और आजकल के नए डिजाइन भी तैयार करते हैं, और आने वाले समय में हमें कुछ एक गवर्नमेंट अगर हमें कुछ सहायता करती है तो हम उनका शुक्रिया करते हैं। और हम अपने वर्करों को भी अपने जो हमारे जो अपने इनकम यानी कि उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। आरडी कश्यप दिव्यांग स्वयं सहायता समूह के प्रमुख ने बताया कि जो दिव्यांग लाचार हैं उन्हें काम मुहैया करवाकर उनके द्वारा तैयार माल को देश की राजधानी समेत प्रमुख शहरों में प्रदर्शनियों से बिक्री कर रहे हैं। इस तरह वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। वे प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक विकलांगों को साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। आरडी कश्यप है, मैं सुहा एक जो स्वयं सहायता दिव्यांग स्वयं सहायता समूह हम इसको चला रहे हैं, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे पास 25 से 40 तक जो है दिव्यांग में जो जुड़े हैं, 25 से 30 45 तक जो है वर्कर हैं, वो दिव्यांग है जो कोई चल नहीं पा सकते हैं, जो टांगों से नहीं चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कई दिक्कत है उनको, तो उनको भी हम घर घर काम भेजते हैं। तो उसके द्वारा हम जो है इसमें काफ़ी बढ़ावा इस प्रोजेक्ट को जो है प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें हमारी कोई सहायता अभी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो हमने अपने द्वारा जो है समूह के द्वारा सबके सहायता से मदद से इस कार्य को काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं। और हमारे जो बहुत पुराना प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे लोइए है, छुपटे है, और चोलिया है, कच्ची चोलिया है, बहुत सारे जो पुराने हैं वो भी हमारे तैयार होते हैं, और जो नया प्रोडक्ट है वो भी हमारा तैयार होता है। और ख़ास करके हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, टोपियाँ बनती है, हिमाचली टोपी जो बुशहरी है, किन्नौरी है, कुल्लू कैप है, ख़ास करके ये ज़्यादा बनती है। उसके बाद कोट बनते हैं, पट्टियों के कोट जो हमारे पहले जो उनके जो प्योर ऊन जो है उसकी जो कत करके उसमें कतने भी कुछ लोग लगे हैं जो बिल्कुल कि इस काम को नहीं जानते, उनको हमने ऊन कतने को दी है, वो कत के जो है बनाई भी कर रहे हैं, कुछ हमने खटिया भी लगाई लोगों को। तो उस वक्त से जो है सबका कट्ठा सबकी मदद से जो है ये कार्य चल रहा है। और फिर हमने जो है इसमें रामपुर में एक ऑफिस भी रखा है, रामपुर में ये जो है अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा माल आता है, बेचते हैं, और सब लोगों को जो है इसमें काफ़ी फायदा मिल रहा है। अच्छे लोग दिन में अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अपना रोजगार और बच्चों को अच्छे पाल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है हमारा नया प्रोडक्ट हम आगे के लिए सोचते हैं,
कि अब अगर हमारी कोई मदद होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो शायद हम कुछ आगे का और सोचेंगे को जो हमारे लाचार लोग हैं, जैसे मंच की विकलांग है और जो बिल्कुल पांव से नहीं हाथ से जो नहीं चल सकते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना है कि हम घर। चंद्रमोहन बुनकर सोसाइटी के सदस्य ने बताया कि हमारा मकसद ग्रामीण क्षेत्र के छोटे हस्तकला से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करना है ताकि गांव में बैठे बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर रोजगार दें। वे उनके विभिन्न वस्त्र बनवाते हैं, खासकर आधुनिक डिजाइन से जुड़े बुलंद वस्त्रों की मांग अधिक है। वे सरकार की हथकरघा से जुड़ी संस्थाओं के सहयोग से प्रदर्शनियां भी देश के विभिन्न हिस्सों में लगाते हैं और अच्छी आमदनी होती है। नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्रमोहन है, मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ और हम जो है यहाँ बुशहर बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं और हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो मिलकर काम करते हैं और हमारे पास तरह तरह अलग अलग मटेरियल बनाने वाले अलग अलग कारीगर हैं और जिसमें हम वुलन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वुलन का ही हमारा मटेरियल बनता है, जैसे लोकल वूल है, मरीनो वूल है, पश्मीना है, इसमें पश्मीना के स्टॉल्स बनाते हैं, पश्मीना के शॉल्स बनाते हैं और मफलर्स बनाते हैं, रिंग पास पश्मीना शॉल बनाते हैं और इसके साथ साथ हम जो है एचकन बनाते हैं वुलन में, कोट्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, चोली बनाते हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाते हैं, जो परंपरागत पुरानी जो ड्रेसेस है वो हम पूरे हिमाचल में जो पहले पहने जाती थी उसको भी हम तैयार करवाते हैं हर तरह के ड्रेसेस को। और सेकंड क्या है कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मेन मकसद है वो है लोगों को स्किल्ड कराना, सिखाना और वो उनको अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपना कारोबार कर सके आने वाले समय में। वो ये रहता है कि हमारे पास बीच में जो है गवर्नमेंट भी फंड आते हैं, जैसे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, तो वो उनको भी हम काम सिखाते हैं, उसके बाद सिखाने के बाद उनको सेटअप भी करके देते हैं, गवर्नमेंट से हेल्प जो होती है वो भी दिलवा के हम